नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे गर्मियों में तरबूज को खाने से होने वाले फायदों के बारे में। गर्मियों का फल तरबूज न केवल खाने में स्वादिष्ट होता है बल्कि बहुत पौष्टिक भी होता है। तरबूज वजन कम करने, आंखों, बालों, त्वचा के लिए बहुत फायदेमंद होता है और यह पेट के कैंसर, हृदय रोग और मधुमेह से भी बचाता है। गर्मियों का फल तरबूज खाने में स्वादिष्ट होता है, ये सभी जानते हैं। इसे गहरे लाल रंग के फल का लाइकोपिन का राजा भी कहा जाता है। तरबूज में 92% पानी और 8% शुगर होती है। यह शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है। ये विटामिन ए, सी, B6 का सबसे बड़ा स्रोत है। इसमें मौजूद कैरोटीन के कारण यह सेल को रिपेयर कर हृदय के रोग के खतरे को कम करता है। तरबूज में एंटीऑक्सीडेंट भी भरपूर मात्रा में होता है। तरबूज वजन कम करने, आंखों, बालों, त्वचा के लिए बहुत फायदेमंद है और यह पेट के कैंसर, हृदय रोग और मधुमेह से भी बचाता है। तरबूज में मौजूद पोटेशियम जैसा पोषक तत्व दिल को स्वस्थ और फिट रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। WHO के अनुसार दिल को स्वस्थ रखने के एक व्यसक को एक दिन में 3510 मिलीग्राम पोटेशियम उपभोग करना चाहिए। इसका नियमित सेवन आंखों के लिए बेहद फायदेमंद होता है। तरबूज में बीटा कैरोटीन और विटामिन ए की मौजूदगी आंखों के स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है। इसके सेवन से रतौंधी और मोतियाबिंद जैसे रोगों से बचाव किया जा सकता है। तरबूज में विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन सी हमारे शरीर के प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है, जिससे हम बुखार व संक्रमण से दूर रहते हैं। विटामिन सी का पर्याप्त सेवन कोलेजन के निर्माण और रखरखाव के लिए आवश्यक होता है। यह त्वचा और बालों के लिए संरचना प्रदान करता है। तरबूज शरीर को हाइड्रेट करने में मदद करता है, जो त्वचा और बालों को स्वस्थ रखने के लिए महत्वपूर्ण होता है। तरबूज में पोटेशियम अच्छी मात्रा में होता है, जो शरीर में नर्वस सिस्टम और मांसपेशियों की सेहत के लिए जरूरी है। इसके सेवन से मांसपेशियों से जुड़ी समस्याओं से बचा जा सकता है। साथ ही तरबूज और तरबूज का रस मांसपेशियों के दर्द को कम करने में मदद करता है। तरबूज में पानी की मात्रा बहुत अधिक और फ्लेवोनॉइड्स और कैरोटीनॉइड्स नामक तत्व त्वचा के कसाव को बरकरार रखने में मदद करते हैं। इसके अलावा यह लंबे समय तक झुर्रियों को दूर रखने में भी हेल्प करता है आपकी। अस्थमा का जोखिम उन लोगों को कम होता है जो पोषक तत्वों की उच्च राशि का उपभोग करते हैं। इन पोषक तत्वों में से एक विटामिन सी है, जो तरबूज में पाया जाता है। तरबूज मजबूत एंटीऑक्सीडेंट विटामिन सी और अन्य एंटीऑक्सीडेंट का अच्छा स्रोत है। यह कैंसर का कारण माने जाने वाले मुक्त कण के गठन से निपटने में मदद करता है। कई अध्ययनों में लाइकोपीन के सेवन को प्रोस्टेट कैंसर की रोकथाम के साथ जोड़ा गया है। तरबूज पानी और फाइबर से भरपूर होने के कारण कब्ज को रोकने और एक स्वस्थ पाचन तंत्र के लिए नियमितता को बढ़ावा देने में मदद करता है और इसके सेवन से आप स्वस्थ रहते हैं और गर्मियों से बचे रहते हैं और प्यास को ये कम कर देता है। तो दोस्तों, ये थे तरबूज के सेवन के फायदे। आगे भी हम आपके लिए ऐसे स्वास्थ्यवर्धक जानकारी लेकर आते रहेंगे। इसके लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर दबा देना, ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अब अपने दोस्त को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।